अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फरहत अपने चैनल कुकिंग विद फीफी के साथ आज हम साबत मसर और कीमे वाली बिरयानी बना रहे हैं। चिकन बिरयानी की निस्बत ये बहुत मज़े की और डिफरेंट बनती है। इसके लिए आप आधा किलो कीमा लेंगे और उसमें 2 से 3 दरमियाने प्याज और लहसुन डालेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ आपने इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच रेड चिली, 1/2 चम्मच से ज़्यादा चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच सूखा धनिया और तकरीबन इतनी ही हल्दी हम शामिल करेंगे। इसमें 1 बड़ा कप पानी का शामिल करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है। पानी खुश्क होने पर हम इसको घी डालकर भूनेंगे और इसमें आलू भी शामिल कर देंगे। हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि आलू गल नहीं जाते। अब इसमें मैंने 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है। अब इसमें हम 1 प्याली मसर शामिल कर देंगे जो हमने पहले से उबाल कर रखे हुए थे। मसर उबालते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाए। इसमें कड़ी पत्ता हम पहले से ही शामिल कर चुके हैं। अब इसमें हम 2 से 2.5 चम्मच बिरयानी मसाले के डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून कर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आखिर में कट लगाकर ग्रीन चिलीज इसमें डाल देंगे और पकने के बाद इसकी शक्ल देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हमने चावल बॉईल कर लिए हैं। सबसे पहली तह चावलों की होगी, इसके ऊपर हम ये मसाला डालना शुरू करेंगे। मसाला डालने के बाद हम इसके ऊपर टमाटर डालेंगे, साथ ही साथ कटी हुई बंद गोभी इसके ऊपर हम श्रेड कर देंगे। इसी तरह से हम तमाम मसाला और चावल डालते जाएंगे। सबसे ऊपर वाली लेयर हम चावलों की रखेंगे, आखिरी लेयर के ऊपर हमने ब्राउन प्याज डालने हैं। ब्राउन प्याजों वाला घी भी हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। लास्ट में थोड़ी सी ग्रीन मिर्चें और ज़रदा रंग डालेंगे और इन चावलों को हम दम लगा देंगे। मैंने ये रेसिपी 1 किलो चावलों से तैयार की है। आप चाहें तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।